इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बॉलीवुड फिल्म लकीर का फकीर। ये वीडियो आप लोगों में से ही किसी एक रिक्वेस्ट पर है, जिनका नाम है हिमांशु पाल। तो आइए जानते हैं लकीर का फकीर। रिलीज हुई थी 14 जून 2013 को। फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी और ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया और जो इसके राइटर है उनका नाम है जुबेर खान। इसके कास्ट की बात करें, इसमें एजाज खान, विक्की आहूजा, जावेद हैदर और मारिशा लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। इसका जो बजट था वो था 1 करोड़ 25 लाख रुपए का। कलेक्शंस की बात करें तो डे वन पर इंडिया में 3 लाख रुपीस की ओपनिंग कलेक्शन की थी। फर्स्ट वीक में 12,50,000 की कलेक्शन की थी और फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 15,50,000 रुपए का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 21,75,000 रुपीस का। अब रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि लकीर का फकीर बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। कलेक्शंस की बात हो गई, करते हैं गानों की बात। तो फिल्म के अंदर टोटल 4 गाने थे। गाने कंपोज किए थे दिलशाद शेख ने। इसके सिंगर्स की बात करें तो गाने गाए थे बाबा सहगल, राजा मुश्ताक, मारिशा, दिलशाद, फिरोज खान और गानों के लिरिक्स लिखे थे जुबेर खान ने, जो फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और जो राइटर भी हैं उन्होंने फिल्म के गाने भी लिखे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।